दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय शैमरॉक प्लेवे स्कूल अम्ब रोड ऊना। ऊना के इंदिरा मैदान में चल रही सेना की भर्ती को लेकर युवाओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड में भी युवाओं का हौसला नहीं डोल रहा और देश सेवा के जज्बे से लबरेज युवा हर चुनौती पर फतह हासिल कर रहे हैं। शनिवार को हमीरपुर और ऊना के युवा भर्ती के लिए पहुंचे। तीसरे दिन कुल 4,124 युवाओं ने पंजीकरण करवाया, जिनमें से कड़ाके की ठंड के बीच 3,532 युवाओं ने ग्राउंड में रिपोर्ट की। ग्राउंड प्रक्रिया पूरी करने के लिए युवाओं ने कड़ी मेहनत की। भर्ती के लिए पहुंचे युवाओं के लिए जिला प्रशासन व स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं ने रहने व खाने की व्यवस्था की है। बताते चले कि इससे पहले भर्ती में आने वाले युवाओं को कड़ाके की ठंड में सड़कों पर पूरी पूरी रात गुजारनी पड़ती थी, लेकिन पहली बार युवाओं को रहने व खाने की बेहतरीन व्यवस्था की गई है, जिसकी सभी जमकर सराहना कर रहे हैं। आज हमीरपुर और ऊना मिक्स है, टोटल रजिस्ट्रेशन जो है 4124 है। अभी 3532 रिपोर्ट किए हैं दौड़ने के लिए। सर, और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो भर्ती के लिए की गई? नहीं, इस बार जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है बंदों को रहने के लिए बाहर, और कुछ एनजीओस फ्री खाना दे रहे हैं उनको। इस बार जो व्यवस्था इन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ सुधीर चौधरी की रिपोर्ट। ऊना मुख्यालय पर अम्ब रोड पर स्थित शैमरॉक प्लेवे स्कूल बना अभिभावकों की पहली पसंद। बच्चों को करवा रहा बेहतरीन शिक्षा मुहैया। नए सेशन के लिए शैमरॉक स्कूल में दाखिला प्रक्रिया शुरू। पहले आओ पहले पाओ आधार पर मिल रहा प्रवेश। बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने के साथ करवाई जाती हैं अन्य पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज। स्कूल में शिक्षित प्रशिक्षित स्टाफ की है तैनाती। बच्चों को बेसिक स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, फेस्टिवल एंड बर्थडे सेलिब्रेशन, कलरफुल यूनिफॉर्म, कलरफुल क्लासरूम के अलावा अन्य सुविधाएं।